नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीनोमियल्स, और पॉलीनोमियल्स में आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीन ही क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद अगले पार्ट में हम 4, 5, 6 ये तीन क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ आधे आधे घंटे की वीडियो बने, और आधे घंटे की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए। ज्यादा बड़ा वीडियो बना के मुझे वो आनंद नहीं मिलता, और दूसरी बात आप लोगों को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे कंटिन्यूस आप आधा घंटा वीडियो देख सकते हैं। हालांकि गूगल का तो क्या कहते हैं, गूगल ने एक सर्वे करवाया था जिसमें ये बताया था कि सिर्फ 8 से 9 मिनट बच्चे स्क्रीन को देख सकते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं मोबाइल। ठीक है, तो आप ही नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। हम भी अगर वीडियो मोबाइल में मोबाइल देखे और कोई वीडियो देखे मोबाइल में, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी 5-7 मिनट देखते हैं, फिर हमको लगता है यार बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके लिए वीडियो ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी चीज अच्छे से सब समझ में आए, इसके लिए मेरी कोशिश है। बाकी कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे का वीडियो भी एडिट करता हूँ, एक घंटे का वीडियो भी एडिट करता हूँ, इतना होता है। आधे घंटे का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, और एक घंटे का वीडियो लेट अपलोड होता है और उसको टाइम भी लगता है। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3.2 करते हैं। क्या देख रखा है, यूज द गिवन लेटर टू राइट आंसर्स। लेटर्स को यूज करके, जो लेटर्स हमें क्वेश्चंस में देके रखे उनको यूज करके आपको आंसर्स लिखना है। स्टेटमेंट्स है कुछ, और उस स्टेटमेंट्स को आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए या पॉलीनोमियल में कन्वर्ट करना, और कुछ भी नहीं। क्या देख रखा है, देयर आर एक्स ट्रीज इन द विलेज लाट। ओके, लाट है या लट है, आई डोंट नो। तो देयर आर ए ट्रीज इन विलेज लाट। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, हर साल बी से उनकी संख्या बढ़ती है। एक साल में बी बढ़ेंगे, दो साल में दो बी बढ़ेंगे, तीन साल में तीन बी बढ़ेंगे, then how many trees will there be after x years? X साल के बाद में कितने ट्रीज होंगे। सबसे पहली बात, देयर आर ए ट्रीज, ठीक है, बी ट्रीज इंक्रीज इन वन ईयर, बी ट्रीज इंक्रीज इन वन ईयर, एक साल में बी ट्रीज बढ़ते हैं। क्या बोलता है वो, फिर से पढ़ रहा हूं, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स। अभी बी ट्रीज इंक्रीज इन एक्स वन ईयर, तो इसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं। इन वन ईयर बी ट्रीज इंक्रीज, ओके। अब कितने साल में बोल रहा है वो, एक्स साल में, तो देन इन एक्स ईयर्स बी इंटू एक्स ट्रीज इंक्रीज, बराबर है ना, यस और नो। भैया एक साल में बी बढ़ रहा है, दो साल में दो भी बढ़ेगा, तीन साल में तीन भी बढ़ेगा, एक्स साल में कितना बढ़ेगा, बी एक्स हो जाएगा, या एक्स भी बोलो, मैं बी एक्स लिख रहा हूं, सिर्फ बी एक्स लिखो, बी इंटू एक्स नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, बी एक्स बोलो। तो पहले कितने थे, ए थे, बड़े कितने हैं, बी एक्स बड़े हैं। टोटल ट्रीज पूछा है ना, ए प्लस पहले के ए और बाद के बड़े हुए बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। फिर से पढ़ता हूं, देखो, देर आर ए ट्रीज, एक विलेज है, देर आर ए ट्रीज इन विलेज लाट, विलेज में ए ट्रीज है, पहली बात। फिर बोलता है, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय बी, इन वन ईयर बी ट्रीज इंक्रीज, ये लाइन में इरेज कर देता हूं, इन वन ईयर बी ट्रीज इंक्रीज, एक साल में बी ट्रीज बढ़ते हैं, तो एक्स ईयर में कितने बढ़ेंगे, वहां आगे देखे रखा है, इफ द नंबर ऑफ द ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स, एक्स साल के बाद कितने होंगे। तो भैया एक्स साल में बढ़ेंगे कितने, तो एक्स इंटू बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एक्स हो जाएगा, पहले ए थे और बी एक्स और बढ़ गए हैं, तो ए प्लस बी एक्स, ये हो गया। ये ऐसा नहीं होगा, ए बी एक्स नहीं लिखना इसको, ए बी एक्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं चार पेन को देखिए, ये चार मार्कर्स को एक पेन में प्लस करता हूं, तो ये चार मार्कर और एक पेन ही होगा, ये पांच पेन नहीं होंगे। पेन अलग होता है, मार्कर अलग होता है, डस्टर अलग होता है, ठीक है। तो वैसे एक्स बी ए ये सब अलग अलग चीजें, तो ऐड नहीं होंगे, ठीक। तो ऐसे इसको करना है, आखिरी में आप क्या लिखेंगे, देयर विल बी ए प्लस बी एक्स ट्रीज इन द विलेज लाट, स्टेटमेंट में लिख दीजिए। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, वाई स्टूडेंट्स। तो आपको क्या लिखना है, इन वन रो देयर आर वाई स्टूडेंट्स, एक लाइन, पहली लाइन आपको ये लिख लेना है। उसके बाद क्या बोलता है,
मैं फिर से पढ़ रहा हूं, फॉर द परेड देर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रोज आर देर, ऐसी रोज कितनी है, एक्स है. ओके सो क्या बोलता है आगे, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल, सारे कितने स्टूडेंट्स होंगे. तो आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है इन इन वन रो देयर आर वाई स्टूडेंट्स, एक रो में वाई स्टूडेंट्स है. देयर आर टोटल एक्स रोज, कुल मिला के एक्स रोज है. सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परेड दैट इज एक्स इंटू वाई. ठीक है, कुल मिला के एक्स रोज है और वाई स्टूडेंट्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द परेड विल बी देयर एक्स वाई. एक्स वाई स्टूडेंट्स कहां होंगे, परेड में होंगे. भैया एक लाइन में वाई है और कुल मिला के एक्स लाइन है, तो मल्टीप्लाई कर दो. अगर एक लाइन में पांच बच्चे हैं और दस लाइनें हैं, दस रो है, तो 10 × 5 करके हम 50 स्टूडेंट्स बोलते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं मैं. और इसका जो थर्ड वाला है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोलता है, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ द टू डिजिट नंबर इज MNN. ओके, क्या बोल रहा है, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस क्या बोल रहा है, दैट इज M, और यूनिट प्लेस कौन सी बोल रहा है, यूनिट प्लेस बोल रहा है N. ठीक है, हमको टू डिजिट नंबर लिखना है. एक बात बताइए कि टू डिजिट नंबर कैसा होता है. टू डिजिट नंबर अगर आपको लिखना हो तो हम उसको एक्सपांडेड फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 × 1s या 1 × यूनिट प्लेस, 1 × यूनिट प्लेस प्लस 10 × 10th प्लेस. ठीक है, तो 1 × यूनिट प्लेस क्या है जी, यूनिट प्लेस है n, और 10 × 10th प्लेस क्या है, m. तो आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 10m लिखो या 10m प्लस n लिखो, बात तो एक ही है. ठीक है, तो ये होगा टू डिजिट नंबर, ऐसे इसको करना है. ठीक है, इस तरह से यहां पर क्वेश्चन वन कंप्लीट होता है. इसके बाद हम क्वेश्चन टू करते हैं. क्वेश्चन टू क्या देख रखा है, एट द गिवन पॉलिनोमियल. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. आइए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन जो है हमें देख रखा है, दैट इज एट द गिवन पॉलिनोमियल. सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है आपको एड करना है. ये यहां पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x² + 9 एंड 5x³ + 2x + 9. ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखें तो देखिए ये माइनस 9 है प्लस 9 है, तो 9 तो कैंसिल हो जाने वाला, सीधे सीधे सॉल्व होगा. और यहां हॉरिजॉन्टल मेथड को यूज करेंगे. ठीक है, चलिए ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले, इक्वल में एक्स क्यूब माइनस 2x² - 9 प्लस 5x³ + 2x + 9. अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में ब्रैकेट खोल दीजिए, इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x² - 9 प्लस 5x³ + 2x + 9. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये x क्यूब और ये 5x², ये हो जाएगा, साथ में लिख लीजिए इसको. ठीक है, सॉरी x³ + 5x³, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है वो. फिर ये माइनस 2x² वाला अकेला है, देखिए, तो माइनस 2x² वाले को लिख लीजिए. उसके बाद x वाला भी अकेला है. ठीक है, तो ये प्लस 2x वाला लिख लीजिए, और देन माइनस 9 + 9, देखिए 9 कैंसिल. क्या होगा, यहां पर x³ और 5x³, ये हो जाएगा 6x³. एक है 1x³ और 5x³, 5 × 6 ओके, देन माइनस 2x² + 2x. बस इस तरह से इसको करना है, सीधे सीधे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और लाइक टर्म्स को साथ में लिख के ऐड माइनस जो भी होगा, प्लस माइनस जो होगा वो कर लीजिए. ठीक है, ऐसे इसको करना है. अगर आप इसे लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन. आइए दोस्तों, इसमें सेकंड वाला करते हैं. क्या देख रखा है, -7m⁴ + 5m³√2 एंड 5m³ - 3m³ + 2m² + 3m - 6. थोड़ा क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, अदरवाइज कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन गलत लिख दिया. ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे दिया है, -7m⁴ 5m³
प्लस रूट टू प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखिए 5m पावर 4, यहां 7m पावर 4 था, यहां 5m पावर 4 है, ये दोनों लाइक टर्म्स आ जाएगी, माइनस 3m क्यूब, यहां पर ये 5m क्यूब 3m क्यूब साथ में आएंगे, प्लस 2m स्क्वायर, यहां m स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 3m, m वाला भी है क्या, नहीं है, ये भी ऐसा कैसे रहेगा, माइनस 6, ठीक है। क्या करते हैं हम, जब ब्रैकेट में लिखते हैं उसके बाद अगला ब्रैकेट ओपन करते हैं और एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पर बदलाव कुछ नहीं आता, प्लस में तो वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं हम, ये क्या होगा, माइनस 7m पावर 4 प्लस 5m पावर 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5m पावर 4 माइनस 3m पावर 3 प्लस 2m पावर 2 प्लस 3m माइनस 6। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में जमाइए, ये m पावर 4 वाला m पावर 4 वाला है, लाइए साथ में 7m पावर 4 प्लस 5m पावर 4। अब m क्यूब वाला एक ये है और एक ये है, तो लिखिए 5m क्यूब माइनस 3m क्यूब। फिर नंबर नंबर है तो नंबर नहीं लिखेंगे, पहले m क्यूब के बाद में m स्क्वायर वाला, तो ये है अकेला m स्क्वायर वाला, तो उसको लिख लीजिए 2m स्क्वायर। फिर m वाला, तो ये अकेला है वो लिख लीजिए, ठीक है। और फिर अब बचते हैं नंबर नंबर, तो प्लस रूट टू माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो जी इसको, ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 होता है जी, माइनस 2m पावर 4, 5 में से 3 गया तो 2m क्यूब, ये 2m स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, उसके बाद 3m ऐसा का ऐसा ही, प्लस रूट टू माइनस 6, ऐसे इसको करना है। आप बोलेंगे सर इसको सिंप्लीफाई करो, कोई जरूरत नहीं, ऐसी रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसको करना है, आंसर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको बुक में ये आगे पीछे दिया हो सकता है और कोई बात नहीं, बाकी तो जो आंसर है दैट इज माइनस 2m m पावर 4 2m स्क्वायर 2 सॉरी 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस रूट टू माइनस 6, इस तरह से इसको करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों इसमें अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां तीन पॉलीनोमियल दिए, तीनों को प्लस करना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखिए 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, अगला है 3y प्लस 9, ठीक है, अगला क्या है 3y प्लस 9, और अगला क्या है दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। बताइए क्या है ऐसा जो मैंने नहीं किया है, यहां पर मैंने यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, भैया ब्रैकेट लगाइए, ये जानबूझ के जगह छोड़ी थी ऐसी कि आपको समझ में आए कि सब कुछ गलती कर रहे हैं। चलिए अब अगली स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 देन 3y प्लस 9 देन 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। क्या करेंगे, ये जो y स्क्वायर वाले हैं साथ में लिख लो दोनों को, 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, अब साथ में वाई वाई वाले लिख लो, ये एक दो और तीन, 7y प्लस 3y माइनस 4, और अब नंबर नंबर लिख लो 5 9 और माइनस 3 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 3। चलिए जी 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर 5y स्क्वायर, 10 में से 4y है ये, सॉरी मैंने y नहीं लिखा, इसको y लगा लो, देखो 7y और 3y 10y, 10 में से 4 गया तो 6y बचेगा, ठीक है, और ये क्या हो गया 5 और 9 14, 14 में से 3 गया तो बच गया 11, ठीक है, ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, तरीके से करना है, सीधे ध्यान से करिए, देखिए मुझसे यह गलती हो गई, तो ऐसा एक आधा चीज छूट गई तो फिर कैलकुलेशन में आपका आंसर सब आते हुए भी गलत हो जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। चलिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलीनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट वन, सेकंड को आपको फर्स्ट में से माइनस करना है, तो जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे करिए, पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3, और माइनस करके ये ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अगली स्टेप में क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यहां अगले इसमें क्या होगा, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 19x
माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस रूट थ्री और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स जो है उनको साथ में लिख लेंगे, ये लाइक टर्म्स है, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस नाइन एक्स और प्लस नाइनटीन एक्स, ठीक है, और उसके बाद दैट इज रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री, ये तो कैंसिल हो गया, रूट थ्री माइनस रूट थ्री तो ये कैंसिल हो गया जी। यहां पर जो बचा है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर में से सेवन एक्स स्क्वायर गया तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बचा, और नाइनटीन एक्स में से प्लस नाइन गया तो दैट इज टेन एक्स, ठीक है, बस इतना करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर थ्री में सेकंड वाला करते हैं, क्या देखे रखा है, टू ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी और थ्री ए बी माइनस एट ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी। सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे लिख लीजिए इसको ब्रैकेट में, टू ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी, माइनस में इसको लिख लीजिए थ्री ए बी, थोड़ा थ्री तरीके से लिखो, थ्री ए बी माइनस एट ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी। क्या करेंगे ये पार्ट तो ऐसा कैसे लिखेंगे, टू ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा माइनस थ्री ए बी, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस एट ए बी स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी। अब लाइक टर्म्स जमा लीजिए भाई, टू ए बी स्क्वायर एट ए बी स्क्वायर लिखो साथ में, टू ए बी स्क्वायर एट ए बी स्क्वायर, उसके बाद इनको लिखो थ्री ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी, फिर बचता क्या है, माइनस फोर ए बी और माइनस थ्री ए बी साथ में है, तो माइनस फोर ए बी माइनस थ्री ए बी, बस जी कैलकुलेट कर लीजिए, एट प्लस टू ये हो गया टेन ए बी स्क्वायर, थ्री में से टू गया तो बचेगा सिर्फ वन दैट इज ए स्क्वायर बी, और माइनस फोर माइनस थ्री तो माइनस सेवन ए बी। बस इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसके आंसर को देखें तो आपको देखने मिलेगा कुछ टर्म्स आगे पीछे लिखी होगी, लेकिन हाँ आंसर यही है, आंसर कुछ अलग नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आज का एक वीडियो था जिसमें हमने क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री किए हैं, बहुत ही सिंपल ये वीडियो है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक चीजें अगर आपको पता है, कैलकुलेशन अगर आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन डिविजन भी सिंपल पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जब आप एक जब आप दो ब्रैकेट को का मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरी में आपको प्लस माइनस ही करना होता है, तो ये चीजें बेसिक है जो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते चलिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देते चलूं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आज का ये वीडियो था दोस्तों। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी बचाइए और हमारी अर्थ को बचाइए, प्लीज प्लांट ट्रीज, सेव वाटर एंड सेव मदर अर्थ, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।